हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, आज का टाइटल क्या है कि एग्ज़ाम आपका है, सफलता भी आपकी होगी, आपका चयन भी आपका है और मेहनत भी आपकी होगी। और यही मोटिवेशन है आज की क्लास का कि आप सही कदम पर, सही समय पर अगर सही कदम नहीं उठाओगे, नहीं चलोगे, सही ट्रैक पर नहीं चलोगे, तो चाहे लाखों वैकेंसियाँ आ जाएँ, कुछ नहीं होने जाना है। ये आप भी जानते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको अपना गोल क्लियर कर लेना चाहिए। तो सही समय पर सही कदम चुनना ही आपका सबसे बड़ा चैलेंज है आज के ज़माने में। दो महीने एग्ज़ाम लेट हुआ, किसी और एग्ज़ाम की तरफ भाग जाते हो, तो कौन से एग्ज़ाम की तरफ हम भाग रहे हैं, उससे हमारा सिलेबस कितना मिलता जुलता है, कितना हम खुद की पढ़ाई को कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप कितने पानी में हो, आपकी वास्तविकता आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आप फिर भी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हो, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि खुद से ही खुद का झूठ चल रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। सेल्फ इवेल्युएशन कितना हो रहा है कि क्या आपने ये जाँचने की कोशिश की है, क्या आप जिस सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं, क्या आप उन पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं सीखने के लिए। जो भी आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं आपके फैकल्टीज़ के द्वारा, आपकी टीचर्स के द्वारा, क्या आप उनको रिवाइज करते हैं, क्या आपने एक चेकलिस्ट बना रखी है कि आप किस तरह से पूरा पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पर आज आपको ध्यान देना है। मैं आपको पूरा समझाने आया हूँ कि क्या सही कदम आप उठाएंगे, किस तरह से आप उठाएंगे, कैसे आप अपनी तैयारी को करेंगे। आपके पास दोनों विकल्प होंगे, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्लस कोर्स से बिलोंग करते हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से बिलोंग करते हैं, या फिर आप यूट्यूब क्लास से पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस इवेंट को, इस चीजों से। लेकिन आपको किस तरह से पढ़ना है, इस चीज का बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है किस तरह से आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चीजें बहुत अनोखी है। तो पहले हम चलते हैं कि आपके पहला प्रश्न ये होता है कि सही समय पर सही तैयारी नहीं हो पाती सर, और ये क्यों नहीं कर पाते हो तुम लोग। क्योंकि जैसा कि आजकल का जमाना हो गया है, ऑनलाइन माध्यम जिस तरह से वरदान बनकर उभरा है, उसी तरीके से ये श्राप भी है। कितना टाइम आप अपने फ़ोन में वेस्ट करते हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि कम से कम 17 से 18 घंटे फ़ोन आपके हाथ में रहता है। सोते वक्त भी सिराने के बगल में फ़ोन रहता है। केवल फ़ोन को अगर आप टीचिंग पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अच्छी बात नहीं है। केवल अपने फ़ोन को आप क्लासेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो अच्छी बात है, अन्यथा अच्छी बात नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है कि क्या आप अपना जो सही समय है, सही जगह यूज़ कर रहे हो, अपनी तैयारी में यूज़ कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात क्या चलती है, वीडियो को शेयर करना है भैया, ना लाइक भी करते रहना है। दूसरी बात कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है इसी वीडियो के माध्यम से कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अदर्स में आप स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप इनमें से अगर अपना गोल सेलेक्ट कर पाते हैं तो क्यों ना उसके लिए स्टक हुआ जाए, क्यों ना उसका सिलेबस अच्छे से नोट किया जाए। फिर कोई वैकेंसी आई, भग गए उसकी तरफ, फॉर्म भरो, सबका फॉर्म भरो। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी एक एग्जाम की मन लगाकर तैयारी कर लेते हो ना, क्योंकि वो एसएससी हो, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे वो रेलवे हो, ये सारे एग्जाम निकल जाएंगे। लेकिन मन लगाकर तैयारी करना ही नहीं हो पाता है ना, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाते हैं। वो टीचर कह रहा है कि भैया वैसा कोर्स ले लो, ये कह रहा है वैसे कोर्स ले लो, समस्या समाप्त नहीं होती, समस्या और डेवलप हो जाती है, बच्चा और फंस जाता है, 10 कोर्स ले लेता है, 10 कोर्स के बाद फिर दिक्कतें हो जाती हैं। तो टेंशन क्यों लेनी, आपको अपना टारगेट फिक्स करना है। टारगेट आपको अपना किस तरीके से फिक्स करना है कि आप बैंक के एस्पिरेंट हो तो बैंक की पढ़ाई करनी है, एसएससी की हो तो एसएससी की, रेलवे की हो तो रेलवे की, एक समय पर एक एग्जाम की तैयारी करो तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और मन लगाकर करो और पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिलेबस कंप्लीट करने से काम चल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। चलिए अब बात होती है सिलेबस क्या है। तो मैं बैंक का सिलेबस भी बताऊंगा, एसएससी का भी सिलेबस बताऊंगा, डीआरडीओ का भी बताऊंगा और रेलवे का भी बताऊंगा। चारों सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं और फिर देखना आप कितनी सिमिलरिटी है भाई साहब, कि आप अगर मन लगाकर एक एग्जाम की तैयारी कर लेते हो तो आपको 10-10 एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो,
मेरा मुद्दा ये है, इस वीडियो को बनाने का मुद्दा ही यही है कि क्यों ना आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें, मैथ को मैथ की तरह पढ़ें। सिलेबस की बात करने चलते हैं। डीआरडीओ का सिलेबस ये है भाई, सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो प्रपोर्शन मिक्सर एवरेज टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम, ये डीआरडीओ का सिलेबस है। और यही सेम टू सेम सिलेबस आपके बैंक का भी है। डीआरडीओ का सिलेबस भी यही है, बैंक का सिलेबस भी यही है, सेम टू सेम सिलेबस है, जिसमें डीआई ऐड हो जाती है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाता है ना, परमुटेशन की है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, ये टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं जो कि आपके नॉर्मल सिलेबस में नहीं होते, ठीक है। चलिए, विजय मिश्रा आज 3 साल बाद जागा है, इसके लिए तालियां, ठीक है। तो ये समझ में आ गई भाई डीआरडीओ का, ये बैंक का सिलेबस है, सेम एज इट इज सिलेबस है ना, सेम एज इट इज सिलेबस है, ठीक है। आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक में क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या समस्या है। अब आप कह रहे हो कि सर आप सिलेबस तो अगर सेम बता ही रहे हो तो फर्क क्या पड़ता है। अब डिफरेंस कहाँ पैदा होता है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सर डिफरेंस कहाँ पैदा हुआ, डिफरेंस कहाँ पैदा होता है ये जानना ज़रूरी है। डिफरेंस पैदा होता है आपके डिफ़िकल्टी लेवल में, डिफ़िकल्टी लेवल यानी कि आपका जो डीआरडीओ है बहुत ईजी आएगा, बहुत ईजी आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप बैंक के बच्चे होकर डीआरडीओ की तैयारी कर सकते हो, ना, उसके लिए डीआरडीओ का पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। बैंक का लेवल थोड़ा हाई रहता है, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं बैंक के एग्जाम क्रैक करने की, तो बैंक का एग्जाम क्रैक करना इतना आसान काम नहीं है, टेढ़ी खीर है भाई साहब। तो आपको हर तरीके से चीजों को समझना है कि डीआरडीओ का सिलेबस ये है, ये अपने एसएससी का सिलेबस है, तो एसएससी का सिलेबस अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका काम बन गया, क्योंकि ये एसएससी का सिलेबस और रेलवे का सिलेबस बिल्कुल सेम है। फिर वही डिफरेंस पैदा हो गया, डिफिकल्टी लेवल, टफनेस, पेपर का स्टैंडर्ड, अलग अलग तरीके से है ना सब कुछ। अब रेलवे की तैयारी करते हो और अच्छे तरीके से करते हो तो एसएससी अपने आप ही हो जाने वाला है, ऐसा नहीं है नहीं होगा आपसे, क्योंकि एसएससी का सिलेबस भी रेलवे के सिलेबस के समान ही है, कुछ भी अलग अंतर नहीं है, फर्क पड़ता है बस डिफिकल्टी लेवल में। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको फ्री में YouTube पर क्या मिल रहा है ये आप जान लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप तो पेड़ पेड़ की बात करने लग गए, आप तो ये करने लग गए, भाई तरीका समझ में आना चाहिए आपको, है ना। हाँ, तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि फ्री में क्या मिल रहा है आपको, फ्री में वही मिल रहा है जो पहले मिलता था, लेकिन आपके आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है उसको जरा हटाइए और आप ये देखिए कि फ्री YouTube क्लासेस में आपको क्या मिल रहा है। सभी चैप्टर के वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, साथ के साथ लगभग 75 से अधिक सेक्शनल मॉक टेस्ट मैं खुद करा चुका हूँ रेलवे के। 75 से अधिक क्या होता है, 75 से अधिक बहुत कुछ होता है सर। आप अगर रेगुलर नहीं है तो आप किसी पे दावा भी नहीं ठोक सकते कि वो गलत है वो सही है। तो प्लीज खुद को इवेल्युएट करने में समय वेस्ट करें, ना कि किसी और को आकर समय वेस्ट करें। मतलब मैं यही कह रहा हूं, सोशल मीडिया से इतना ही कनेक्शन रखें जो आपके लिए फ्रूटफुल हो, ऐसा ना रखें कि बस चलते जा रहे हैं मजा आ रहा है। तो मजे लेने वाले स्टूडेंट मत बनो, स्टूडेंट बनो सीरियस वाले, चाहे वो किसी छोटे से छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे वो ग्रुप डी की तैयारी क्यों ना कर रहे हो आप। अब चैप्टर वाइज थ्योरी आपको पूरी पढ़ाई गई है, ये हो चुका है। अब बात आती है सर अनअकैडमी पर क्या फायदा है, तो अनअकैडमी आपके लिए कोर्स लेकर आता है जिससे कि आपको अपना कोर्स है ना जल्दी करने का मौका मिलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेट जागते हैं कि सर अब जागे हैं हम, हमें अब पता लगा है कि अच्छा ऐसी भी तैयारी की जाती है, तो भैया उनके लिए अनअकैडमी आपके लिए है। ये क्या देता है आपको, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या देता है, वरना आप ये कहोगे सर यूट्यूब और अनअकैडमी में क्या फ़र्क है। अरे फर्क कितना है मैं बताता हूँ। कोर्स अगर जल्दी करना है, टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़नी है, टॉपिक वाइज टेस्ट करने हैं जो कि इजी, मॉडरेट और हाई लेवल के होते हैं, पैटर्न कम समय में पूरा पेपर हल करने का तरीका आपको बताया जाता है, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रत्येक स्टूडेंट से पर्सनल इंटरेक्शन किया जाता है अनअकैडमी पर, प्रत्येक बैच के लिए मैंने अपने हिसाब से डाउट सेशंस बना रखे हैं, जो आपको अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं जहां पर आप डिस्कशन कर सकते हैं अपना, ठीक है। और 200 से अधिक फुल मॉक टेस्ट है वहां पर, और प्रत्येक सैटरडे को आपका क्या होता है वीकली टेस्ट होता है। ये है अनअकैडमी। और भी अलग अलग फीचर्स भी ऐड हो रहे हैं, आपसे बात करने का फीचर, आपसे डाउट डिस्कशन का फीचर्स, ये सारे फीचर्स ऐड हो रहे हैं क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपको यहाँ पर एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड की जाए हमारे द्वारा।
अन्यथा आपको यहां पर एक चीज और मिलती है जो आप सभी को लगती कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ है कि सभी टीचर्स की क्लासेस मिलती हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलती हैं। सिर्फ अनअकैडमी देता है ये काम, वरना आप ये सोचते हैं जीके पढ़ लेंगे, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है भाई, जीके पढ़ लेंगे ऐसे नहीं होती पढ़ाई। तो सभी एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलती है, ये अनअकैडमी का काम है, ये मैंने आपको समझाया है, ये ध्यान रखना। सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में, ऐसा नहीं है कि आपको 10 लेने हैं। अगर रेलवे के लेते हो तो रेलवे की सारी क्लासेस, एसएससी का एसएससी की सारी क्लासेस, बैंक का बैंक की सारी क्लासेस, जितने भी एग्जाम हो साल भर में, अगर साल भर का लेते हो, एक तरीके से ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, ठीक है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मेरे बारे में ये सब कुछ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ सकते हो कि भाई मैंने क्या योगदान दिया है आपके साथ में मिलकर, यहां पर मैंने क्या किया है, और मैं ये क्यों बोल पा रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से। छोटा सा एक्सपीरियंस है लेकिन काम का है, क्योंकि मैं जल्द ही, जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है तब से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये पूरा एक्सपीरियंस है आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हो। दूसरी बात आपको मैं बताऊंगा कि भैया अनअकैडमी को ज्वाइन कर, मेरा क्या क्या चल रहा है, मेरा रेलवे में, डीआरडीओ में, बैंक में, एसएससी में, सब में कोर्स इस तरीके से चल रहे हैं सारे। बैंक में आपको और भी फैकल्टीज के सभी कोर्स मिल जाते हैं, ठीक है, मेरा भी आने वाले समय में कोर्स आएगा, वो मिल जाएगा। साथ के साथ अगर मैं आगे बात करूं तो ग्रुप डी में मेरा अर्थमेटिक का कोर्स चल रहा है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप सो के उठ जाएं, क्योंकि समय तो निकलता चला जाएगा, है ना। रेलवे में मेरा अर्थमेटिक का पीवाईक्यूज, डीआरडीओ में मेरा प्रैक्टिस सेट चालू हो चुका है, ये ज्वाइन करिए आप, सारी चीज चल रही है, कंप्लीट कोर्स हैं सारे के सारे। और मैंने क्या बोला, सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस, मेंस का बैच आ गया एसएससी के लिए, वो भी ज्वाइन कर लो, है ना। तो ये सारी क्लासेस एसएससी कैटेगरी में मिलेंगी, ये अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग चीजें हैं, और सबके लिए आपको कोड लगाना है साहिल 10। और ये और बता दूं, एक ही कोड के माध्यम से आपको वही 10% का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप कोई सभी कोड लगा लें। तो साहिल 10 आपको मैंने कोड बता दिया, साहिल 10 आपको लगाना है 10% की छूट के लिए बिना किसी गैप के। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में क्या कर लेंगे भाई, ओपन करने के बाद रेलवे वाले बच्चे हैं रेलवे, यूपीएससी वाले हैं यूपीएससी, बैंक वाले हैं बैंक, कैट वाले हैं कैट, आईआईटी वाले आईआईटी, एसएससी वाले एसएससी, जो भी एग्जाम से आप संबंध रखते हो, आरपीएससी वाले आरपीएससी, सब में भी क्लासेस चलती रहती है सबकी। सीडीएस एफकेट किसके लिए है, डीआरडीओ के लिए है, मैंने सीडीएस एफकेट सेलेक्ट किया। आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, मैंने क्या बोला 6 महीने का ले लो, 6 महीने का सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासेस। और लंबी तैयारी करो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम तो लग ही जाता है कि आप 6 महीने या 1 साल के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो बस अपना फोकस रखो, चाहे कहीं से भी रखो, मेरा उद्देश्य बस इतना है। साहिल 10 से क्या फायदा होगा सर, साहिल 10 लगाने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी फीस होगी उस पर, SAHIL10, ठीक है, विदाउट स्पेस लगाओगे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा इसको और अपनी कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स बाय साहिल सर इज माय टेलीग्राम चैनल। तो मिलूंगा आपसे अगले सेशंस में, इसी तरीके से पढ़ाई करो, फोकस रखो अपने आप को। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल।